नमस्कार। पुनश्चर्या कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम स्वयं में झारखंड की भाषाओं पर चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से झारखंड भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां भारत की चार प्रमुख भाषा परिवार में से तीन भाषा परिवार की भाषाएं झारखंड में ही बोली जाती हैं। इस दृष्टिकोण से भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह क्षेत्र विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। झारखंड की प्रमुख भाषाओं में हम इसे तीन भाषा परिवार में बांट सकते हैं। पहला है आग्नेय भाषा परिवार। इस भाषा परिवार के अंतर्गत मुंडारी, संताली, हो, खड़िया, असूरी, बिरहोरी, भूमिज आदि भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। इसके अंतर्गत दो प्रमुख भाषाएं हैं, कुड़ुक और मल्तु। तीसरा भाषा परिवार आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली बोली जाती हैं। इन नौ प्रमुख भाषाओं में से मुंडारी का क्षेत्र यदि देखें तो इसका क्षेत्र पड़ता है खूंटी, रांची, सिमडेगा, सिंहभूम, और संथाली का क्षेत्र है पूरा संथाल परगना, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, और हो भाषा का क्षेत्र है पूरा सिंहभूम क्षेत्र, और खड़िया का क्षेत्र पड़ता है सिमडेगा एवं गुमला, और कुड़ुक भाषा का क्षेत्र है रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, नागपुरी, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार में बोली जाती है। तो पंचपरगनिया, बुंडू, तमाड़, सिल्ली, राहे, बरेंदा ये पांच परगने इलाके में प्रमुखता से बोली जाती है। खोरठा भाषा का जो क्षेत्र है वह गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पलामू, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी तरह कुरमाली, खारसावां, सरायकेला, रांची, खूंटी और सिल्ली क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाती है। ये तो झारखंड के अंतर्गत की बात है। झारखंड से सटे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, बंगाल का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, वहाँ भी इन भाषाओं का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। विशेषकर असम और बंगाल के चाय बगान वाले इलाकों में इन भाषाओं की का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। हमारा छत्तीसगढ़ इलाका जो एक तरह से नागपुरी और कुड़ुक का भी क्षेत्र पड़ता है, इसी तरह हमारा जो उड़ीसा का क्षेत्र है उसमें नागपुरी, कुरमाली, कुड़ुक, मुंडारी का भी क्षेत्र पड़ता है, और इन दृष्टिकोण से एक बृहद झारखंड का जो स्वरूप बनता है वो एक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होता है। झारखंड एक बहुभाषी राज्य है, और बहुभाषी राज्य होने का मूल कारण है कि झारखंड प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो प्राकृतिक सौंदर्य से और सांस्कृतिक माधुर्य से भरा पूरा है। इसलिए अनेक जातियां कालक्रम से यहाँ आती रही हैं और एक बृहद झारखंड का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि झारखंड में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अभी आपको तीन भाषा परिवारों से परिचय कराया गया, लेकिन इसको जानने के पहले ये जान लेना आवश्यक होगा कि किस तरह भाषाएं बदलती हैं। थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ ध्वनि परिवर्तन में लाने से एक भाषा कई भाषाओं में किस तरह बदलती है, उसका एक छोटा सा नमूना झारखंडी भाषाओं को समझने के लिए सहायक हो सकता है। यहाँ बोर्ड में देखिए अहम शब्द है जो संस्कृत का पुराना शब्द है जिसका अर्थमय होता है। लोगों ने इस अहम शब्द के में अ का लोप कर दिया और हम बना दिया, और हम का प्रयोग मैं के लिए आज भी उत्तर भारत की कई भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, और झारखंड में भी खोरठा और नागपुरी के उत्तरी भाग में हम का प्रयोग मैं के लिए किया जाता है। इसी तरह हम को भी
लोगों ने ह का लोप कर दिया और म बचा दिया, और इस म ध्वनि में आप देखेंगे कि सिर्फ मात्राएं बदलकर कई भाषाओं का सृजन कर लिया गया है। आप बोर्ड में देखते हैं कि म के जगह पर हिंदी में मैं बना दिया गया है, और बगल में हमारा छत्तीसगढ़ी है, उन लोगों ने मैं के जगह मैं बना दिया। मैं रेंगत हवा, मैं चलता हूँ। छत्तीसगढ़ी के पार मराठी का क्षेत्र है, और मराठी में ये म मी बन गया है। मी गोट से बोलतो है, मैं गोट से बोल रहा हूँ। इस तरह आप देखते हैं कि मैं मे मी, और यदि आप उड़ीसा में चले जाएं तो यही मू बन जाता है। मू जीबी, मैं जाऊँगा। मू जाऊचू, मैं जाता हूँ। इस तरह से वहाँ मू प्रयोग हो गया। यदि मू के रूप से अगर आप उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो वो मुई हो जाता है, अब मुई जीबी हो जाएगा। और उससे और थोड़ा झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो इसका रूप मोय हो जाता है, और इस तरह से उड़िया और नागपुरी दोनों का मिश्रित रूप मोय जीबी हो जाता है। यदि आप रांची से कटक की ओर यात्रा करें तो देखिए नागपुरी और उड़िया के बीच में किस प्रकार का स्वरूप बदलता है, वो आपको विदित हो जाएगा कि मोय जाम, मोय जामू, मोय जाबू, मोय जाबो, मोय जीबी, मुई जीबी, मू जीबी। देखिए किस तरह मोय घिसते घिसते मुँह के रूप में आ गया है। इस तरह से ये भाषाओं का परिवर्तन दिखलाई पड़ता है, क्योंकि जहाँ मानव समुदाय है वहाँ भाषा है, और जहाँ भाषा है वहाँ संस्कृति है, और जहाँ संस्कृति है वहाँ जीने की कला है, और यही जीने की कला मनुष्य को एक दूसरे से पृथक करती है। यहाँ झारखंड में एक कहावत है मुंडारी समूह में, सेन गे सुसुन, काजी गे दुरंग, दूरी गे दुमंग। इसी बात को उड़ाव समाज कहता है, एकना दिम तोकना कथा दिम डंडी। और इन दोनों का अर्थ है कि यहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। इसका मतलब इसकी वाणी में जो माधुर्य है वो बोलने में और गीत में समानता रखता है। इसीलिए ये कहावत प्राचीन काल से आज तक लोग बोलते चले आ रहे हैं। झारखंड के आग्नेय भाषा परिवार में मूल भाषा मुंडारी है, और मुंडारी में आदमी के लिए होड़ो को बोलते हैं। होड़ो को, ये होड़ो शब्द संथाली में जाकर और छोटा हो गया, और वो हो गया होड़। होड़ माने भी आदमी, और हो भाषा में ये होड़ छोटा हो करके मात्र हो गया है। इस तरह देखिए मुंडारी समूह की जो भाषा है, मुंडारी, संताली और हो, ये तीनों एक समानांतर ध्वनि के रूप में विकसित हुई है, इसलिए होड़ो, होड़ और हो का विकसित रूप आया है, और इन तीनों का एक ही अर्थ आदमी के रूप में प्रयोग होता है। और यही कारण है कि बिरहोरी हो, असूरी हो, भूमिज हो, इसमें भी मुंडारी ध्वनियों की प्रधानता है, क्योंकि ये तीनों एक परिवार की भाषाएं। जिस तरह एक परिवार के व्यक्ति के जो बाल बच्चे होते हैं उनके चेहरे मोहरे अपने माँ बाप से मिलते जुलते हैं, ठीक वैसे ही ध्वनि साम्य इन आग्नेय भाषा परिवारों के साथ है। इसलिए अनेक मुंडारी, संथाली और होवासी एक दूसरे की भाषाओं को पूरी तरह समझ लेते हैं, और बहुत से लोग तो बोल भी लेते हैं। इसी तरह द्रविड़ भाषा परिवार में जो हमारा कुड़ुख भाषा परिवार है, जो विशेषकर झारखंड में बोली जाती है, रांची, लोहरदगा और गुमला में मुख्य रूप से, लेकिन इसका एक दूसरा रूप मालतो है, जो पहाड़िया जाति के लोग जो झारखंड के पूर्वी भाग में अवस्थित है वहाँ बोली जाती है। कुड़ुख की और मालतो की ध्वनि तमिल ध्वनि से मिलती जुलती है, क्योंकि तमिल द्रविड़ भाषा परिवार की मूल भाषा है। तमिल भाषा से निकली हुई जो भाषाएँ हैं वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, और इनमें भी ध्वनि साम्य दिखलाई पड़ती है। जैसा कि बताया जाता है कि तमिल ग्रुप की जो भाषाएं हैं उसमें कठोर वर्ण की ध्वनियां अधिक आती हैं, इसलिए ट, ठ, ड, ढ, ण की ध्वनि की प्रधानता दिखलाई पड़ती है। और द्रविड़ परिवार में जो झारखंड में बोली जाती है कुड़ुख, इसके लिए अभी लोगों ने, विशेषकर नारायण उरांव सहंदा ने, एक नई लिपि ईजाद की है जिसका नाम तोलोंग सिकी दिया है, क्योंकि यहाँ तोलोंग शब्द का प्रयोग किया गया है कमर में बांधने वाले कपड़े से।
जिस तरह से उसको बांधा जाता है ठीक वैसे ही इस लिपि की बनावट बताई जाती है, इसलिए इस लिपि का नाम लोगों ने तोलंग सिकी का प्रयोग किया है और ये कुड़ुख भाषा में प्रयोग की जाती है। इसी तरह संथाली भाषियों ने अपने लिए एक नई लिपि का प्रयोग किया है, विशेषकर पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी का प्रयोग किया है और इससे लिखने पढ़ने का कार्य भी चल रहा है और ओल चिकी में लिखे हुए साहित्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो रहा है। इसी तरह हो समुदाय ने अपनी भाषा के लिए बरांगछिति लिपि का प्रयोग किया है, इसके आविष्कारक बताए जाते हैं गुरु लाखो बोधरा और हो भाषा का साहित्य संप्रति इसी बरांगछिति लिपि से लिखी जा रही है, लेकिन बाकी भाषाओं की जो लिपियां हैं वो देवनागरी में ही अभी तक प्रयोग की जा रही है। वैसे ब्रिटिश काल में और मिशनरियों ने इसका प्रयोग रोमन लिपि से भी करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन आज के समय देवनागरी झारखंड की प्राय सभी भाषाओं की लिपियों में प्रमुखता से प्रयोग किया जा रहा है और अपनी ओर से नई लिपियों को भी लोग महत्व दे रहे हैं।